बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर का इंग्लिश का फुल शॉर्ट पेपर देखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले जो है मेरे पास टूल्स जो हैं वो ये आप देख सकते हैं। 605 कट मार्कर है ये, जो मैंने मेन हेडिंग से यूज़ किया है। इसकी आप टिप देख सकते हैं, ये देखें। तो इस टिप से जो है वो बोल्ड हैंड राइटिंग करती है, ये देखें। और जो हम सब हेडिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे आंसर की हेडिंग या आगे चल के हेडिंग, सब हेडिंग्स आएंगी, उसके लिए 604 कट मार्कर इसकी जो है वो टिप देखें। से कुछ ज़रा सी इतनी मोटी नहीं होती, इतनी बोल्ड नहीं होती, लेकिन होता कट मार्कर ही है ये। और 605 कट मार्कर मैं हमेशा से आपको बताती हूँ, ये जो मैंने ऐसे कट करके रखा हुआ है, ये देखें, डबल मार्जिन लाइन्स के लिए यहाँ पे और यहाँ पे मार्जिन लाइन्स के लिए, हेडिंग के लिए, इन दोनों। इसको हम एंड पे यूज़ करते हैं, एंड पर लाइन काटते हैं और एंड पे मार्जिन लाइन्स लगाते हैं। और एक स्केल ऑब्वियसली हमने जब अंडरलाइनिंग करनी है या बड़ा स्केल लेना है, जो भी जिस तरह आपके पेजेस का हिसाब है। और जस्ट एक इंक पेन जिससे हमने जो है फिलिंग करनी है, स्ट्राइक करते हैं। सबसे पहले 605 कट मार्कर से सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देंगे। और यहाँ पे आप जो है वो मॉडर्न प्रोज इसकी भी आप हेडिंग बना सकते हैं 604 कट मार्कर से, कि मॉडर्न प्रोज से ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और फिर आंसर की हेडिंग दे दें, या एक दफ़ा आंसर की हेडिंग दे दें और नंबरिंग के साथ आंसर दिखते हैं। इसके बाद आप टॉप लेसन का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ओवर हो जाएगा। अगर टाइम आपकी स्पीड अच्छी है, टाइम है, तो आप जरूर लिखें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है वो हीरोज़ की भी आप जो है हेडिंग बना सकते हैं। इसके भी हम आंसर की हेडिंग देख के इसके बाद नंबरिंग के साथ आंसर लिखते जाएंगे। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स में से है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसी तरह आप हीरोज़ वाटर प्रोज की भी हेडिंग बना सकते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स में से है आंसर्स, इसके हम लिखते जाएंगे नंबरिंग देख के, जो सा भी हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसके बाद जाते हैं सेक्शन 2605 कट मार्कर से हम सेक्शन 2 की हेडिंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ईडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है, कोई एक हेडिंग बना लेंगे, दोनों भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ईडियम्स भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं। तो आपने इस तरह से वो ईडियम लिखना है मार्कर 604 कट मार्कर से, और उसके बाद उसका जो है आपने इन पेन से उसका जो मेरा सेंटेंस बनाना है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, इसकी प्रेजेंटेशन देख लें। जैसे 604 कट मार्कर से मैंने ये उर्दू पैसेज जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग लिखी है, बीच में डॉटेड लाइन लगा दी है। ये जस्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, स्किप करना चाहे कर लें, डायरेक्ट तर्जुमा की हेडिंग दे और अच्छे तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर लें। ये मुझसे स्किप हो गया था, फॉर एग्जांपल आपसे अगर गलती से स्किप हो जाता है, ये तो मुझसे बाई चांस हो गया था, तो आप इसको इस तरह से इंक पेन से या पेन से मार्कर से कट कर लिया जाए। इसके बाद आते हैं ऐसे राइटिंग है कायदे आज़म का, जो भी टॉपिक है आपने उसका लिखना है। और ये ऐसे है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे डेट ऑफ बर्थ था, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जो भी मुस्लिम लीग में इन्होंने ज्वाइनिंग की, जो भी की वर्ड्स हैं, तो आप इसको इस तरह से मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं। और जो कोटेशंस बनानी है यानी जो कायदे आज़म के अकवाल हैं, वो आपने जो है वो मार्कर से लिखने हैं, ताकि हाईलाइट हो, पता लगे जनाब आपने कायदे आज़म की कोटेशन लिखी है, देखें इस तरह से। और देखते जाए जो डेट्स वगैरह, वो मैंने मार्कर से हाईलाइट किए हैं।